बात करते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आप बात करते हो लव जिहाद की। लाभ जिहाद का बात करना, यूसीसी का बात करना, ये ध्रुवीकरण नहीं होता है। इट्स कॉल्ड वोमेन एम्पावरमेंट। वो कह रहे हैं कि आप एक एक पर्टिकुलर समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तलाक एक समुदाय में हो रहा था। एक आप मर्द हो, तीन तीन शादी कर सकता है, तो एक कम्युनिटी में हो रहा था। वो कम्युनिटी का महिला का शोषण हो रहा है, तो उनका खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है। ये ध्रुवीकरण नहीं बोलता है, इसको एम्पावरमेंट बोलता है। क्या कारण है कि आपको बोलना पड़ा कि राहुल गांधी के लिए आपने जो शब्द, उनके लोग के लिए जो शब्द यूज़ किया, उसको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मैंने क्या शब्द यूज़ किया? मैंने तो कोई शब्द यूज़ नहीं किया। आपने कहा कि वो सदाम हुसैन की तरह थे। मैंने ये बोलता हूँ कि देखते देखते आपका सेहरा और सद्दाम का सेहरा अगर आप एक साथ बैठा लेता है तो एक जैसा देखता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दाढ़ी उड़ी काट ले तो आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा। तो ये तो अच्छा एडवाइज है, इसमें बुरी क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपकी पार्टी झूठ बात करती है और प्रधानमंत्री भी झूठे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बोल रहा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पीता है, तो हो सकता है राहुल जी उनका साथ चाय नहीं पीता है अभी तक। हो सकता है कि कांग्रेस में अस्पृश्यता का प्रैक्टिस किया जाता है। तो खड़गे जी का यह बयान का बाद राहुल जी को एक ट्वीट करना चाहिए विथ ए पिक्चर बैक डेटेड कि ओ और खड़गे जी एक साथ चाय पी रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए मेरा अनुभव है कांग्रेस में कुत्ता का बहुत दाम है, कुत्ता का बहुत वैल्यू है, इंसान का वैल्यू कम है। तो इसीलिए खड़गे जी का ये जो दावा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पी सकता है, दिस मे बी पार्शियली करेक्ट। और एक दावा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि उन्होंने लिखित में दिया कि उनकी सरकार बनेगी। देखिए, केजरीवाल जी थोड़ी दिन में तिहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर तिहार में आज कोई ओपिनियन पोल लेगा, इसलिए तिहार में सारे लोग तो मोदी जी ने ढाला है, तिहार में तिहार का माहौल तो मोदी जी का खिलाफ ही है। तो तिहार में अगर सत्येंद्र जैन कोई ओपिनियन पोल लिया है तो जरूर उसमें गुजरात में आपको विजयी दिखा रहा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सुसाइड का केस आया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में, उस पर क्या कार्रवाई हो रही? देखिए, वो द बॉयज हैज बीन हॉस्पिटलाइज यस्टरडे, इट इज अ मैटर रिलेटेड टू रिगिंग और वी आर टेकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दैट।